पढ़ाएंगे आज? हिंदी बोले इंग्लिश बोले बताओ बताओ कि खोटा बोला लगता है कि गोल्डन वर्ड्स क्या पढ़ेंगे? गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन का मतलब क्या? गोल्डन का मतलब क्या? ठीक है, गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन का मतलब होता है सोना, वर्ड्स का मतलब क्या था? शब्द। क्या होता है? शब्द। ठीक है, गोल्डन का मतलब क्या होता है? सोना। कौन वाला सोना? सोना चांदी नहीं, कौन वाला सोना चांदी? कौन वाला जो बाजार में बिकता है? कि वो सोने वाला जो बाजार में बिकता है। और वर्ड्स का मतलब सब्जी। शब्द। ठीक है, वर्ड्स का मतलब क्या है? शब्द। ठीक है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। गोल्डन वर्ड्स तो गोल्डन वर्ड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पहला गोल्डन वर्ड्स होता है प्लीज। ठीक है, क्या होता है? प्लीज। प्लीज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृपया। ठीक है, कृपया। ठीक है, रिक्वेस्ट अनुरोध में। ठीक है, अनुरोध करते हैं हम लोग, अनुरोध अनुरोध करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी को हम लोग अनुरोध करते हैं, कुछ भी चीज मांगते हैं, उसके लिए हम लोग प्लीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड होता है सॉरी। क्या? सॉरी। ठीक है, उसमें उसका मीनिंग होता है क्षमा करना। ठीक है, वो भी अनुरोध होता है, मतलब क्षमा करो, हमको क्षमा करो, कुछ गलती हो गया, सॉरी। ठीक है, क्षमा करना, लिखो, लिखते जाओ। ठीक है, सॉरी, पार्डन। पार्डन ये भी इसका मतलब भी होता है क्षमा करना, लेकिन ये शब्द वाक्य के आधार पर अलग अलग होता है। ठीक है, पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा करना। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा वाला, ज्यादा गलती। ठीक है, सॉरी ज्यादा गलती के लिए। ठीक है, ज्यादा गलती हो गया उसके लिए सॉरी, क्षमा करना। ठीक है, सॉरी। और पार्डन वो थोड़ा कम गलती के लिए, जैसे हम लोग फोन में बातचीत करते हैं, किसी का वाणी सुनाई नहीं दिया उस समय हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोल दिया, जैसे कुछ जो बोल दिया तो सुनाई नहीं दिया, तो यस पार्डन ऐसे। ठीक है, पार्डन बोलने का ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो पहला प्लीज, कृपया, अनुरोध, सॉरी, क्षमा करना, पार्डन, ये भी क्षमा करना है। ठीक है, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए या छोटा कुछ सुनाई नहीं दिया उसके लिए। ठीक है, कुछ सुनाई नहीं दिया आपको, उसके लिए आप पार्डन बोल सकते हैं, उसके लिए सॉरी बोल भी सकते हैं, लेकिन सॉरी ज्यादा यहाँ मायने नहीं रखता है। इसके बाद मे, एम ए वाई, मे का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सकना। ठीक है, लेकिन ये मे बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, है ना, तो
मैं यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ हो सकना है, मैं भूक सकता हूँ अनुरोध में, ठीक है, अनुरोध 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 करते हैं, इसीलिए हम लोग मैं का यूज हम लोग गोल्डन वर्ड्स में करते हैं। अनुरोध अनुरोध काम करना मतलब रिक्वेस्ट करना, क्या करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी। और आगे एक है एक्सक्यूज मी, इसका मतलब भी है क्षमा करना, इसका मतलब भी क्षमा करना होता है, ठीक है। इसके बाद शुड, ठीक, शुड और कुड, शुड और कुड, ये भी इसका मतलब क्या होता है, सकना, ठीक है, सकता हूं, सकता हूं, अनुरोध करना होगा आपको, अनुरोध, ठीक है। एक्सक्यूज मी का मतलब क्षमा करना, ठीक है। शुड कुड का मतलब सकना, मतलब सकता हूं, कर सकता हूं, कुछ भी मतलब जैसे कर सकता हूं, ठीक है। अनुरोध करना होगा आपको, ठीक, अनुरोध, अनुरोध का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, अनुरोध का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। हाँ चलो लिखो, और बाद में कॉपी सब में भी लिख लेना, क्या नोट्स में, क्या ना ये। चलो यूज ऑफ गोल्डन वर्ड्स, ठीक है, लिख लो अलग से नीचे में दो लाइन छोड़ करके, दो लाइन छोड़ करके लिख लो यूज ऑफ गोल्डन वर्ड्स। एक्सक्यूज मी से शुरू करते हैं, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्या, क्षमा करना, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर और मैडम, मे आई हैव योर ड्रिंक, ठीक, एक्सक्यूज मी सर और मैडम, मे आई हैव योर ड्रिंक, हाँ ऐसे, वंस अगेन, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मतलब क्या होता है, क्षमा करना, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, एक्सक्यूज मी सर और मैडम, यहाँ दोनों में से एक, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर और मैडम, मे आई हैव योर ड्रिंक, इसका मतलब क्या, ड्रिंक का मतलब होता है कुछ भी हम लोग पीते हैं ना, रसना, स्प्राइट, ठीक है, अल्कोहल पीते हैं ना, हाँ, तो उस टाइप का होता है ड्रिंक्स, जूस, ठीक है। तो क्या मैं ड्रिंक पी सकता हूँ, क्षमा कीजिए, क्या मैं आपका ड्रिंक पी सकता हूँ, या पी सकता हूँ, ड्रिंक यहाँ रखा हुआ है, क्या मैं इसको पी सकता हूँ या नहीं, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक फल देख लेते हैं, एक्सक्यूज मी सर और मैडम,
मे आई कम इन, सॉरी यहां पर जब भी आएगा ये एक्सप्रेशन तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। जब एक्सक्यूज मी सर मैडम मे आई हैव योर ड्रिंक, ये से क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब आप पूछ रहे हैं उसको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तभी से बोल रहे हैं ना। हाँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, एक्सक्यूज मी सर और मैडम मे आई कम इन, ऐसे मे आई कम इन, ऐसे, ठीक है। एक्सक्यूज मी जब कोई काम कर रहे हैं, सर या मैडम काम कर रहे होंगे या कुछ लिख रहे होंगे, तो आपको एक्सक्यूज मी बोल करके उसको रिक्वेस्ट करना, ठीक है, उसका ध्यान आकर्षित करना होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी बोल करके उसका ध्यान आकर्षित करना होगा और बोलना होगा क्या, एक्सक्यूज मी सर और मैडम मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क। आप उसको पूछ रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको आदेश देगा हाँ आप आ सकते हैं तो आइए, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फिर वो जो बोलेगा, सर बोलेगा तो आप बाहर ही रहिए, ठीक है। ऐसे चलो देखो आगे पढ़ते, दो ठो एग्जाम्पल है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर मैडम मे आई हैव योर ड्रिंक। हाँ, यहाँ प्लीज भी होता है, लेकिन प्लीज और एक ठो जगह, दूसरा जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए प्लीज हम नहीं लिखे, ठीक है। प्लीज भी हो सकता है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी सॉरी, सॉरी का मतलब भी क्षमा करना होता है, ठीक है। बोलता है ना आई एम सॉरी, बोलता है यू आर सॉरी, आई एम सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी बोलता है, यू आर रॉन्ग, ठीक है, आई एम सॉरी। तो सॉरी का मतलब क्षमा करना होता है। तो स्टार्ट करेगा जैसे एग्जांपल में, सॉरी सर और मैडम आई डिड नॉट हियर यू और गेट यू, ठीक है, गेट यू, ठीक, गेट यू और हियर यू। सॉरी सॉरी सर आई डिड हियर यू और आई डिड गेट यू, ठीक। सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। सॉरी सर और मैडम आई डिड गेट यू और आई डिड हियर यू, वन सेकेंड। हाँ, सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना, क्या होता है, क्षमा करना। एग्जाम्पल, सॉरी सर और मैडम आई डिड नॉट हियर यू और आई डिड हियर यू और आई डिड गेट यू, ठीक है। गेट यू हियर यू दोनों एक ही है, ठीक है। आपने जो कहा मैंने सुनाई नहीं दिया मेरे को, ठीक है, मेरे को सुनाई नहीं दिया, या जो आप कह रहे थे मैं दूसरे ध्यान में था, मैं सुनाई, मेरे को सुनाई नहीं दिया, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड नेक्स्ट। पार्डन, पार्डन, पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा करें या क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, पार्डन आई
डिड नॉट फॉलो पार्डन आई डिड नॉट फॉलो यू ठीक आई डिड नॉट फॉलो यू पार्डन आई डिड नॉट फॉलो यू फॉलो यू का मतलब भी वही है जो आपने बोला या जो आपने कहा मैंने नहीं सुना या नहीं मेरे को सुनाई दिया नहीं ठीक है आप कृपया और एक बार बोले ठीक है पार्डन आई डिड नॉट फॉलो यू वंस अगेन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा सॉरी ये साइन नहीं रहेगा ये साइन रहेगा ठीक है पार्डन आई डिड नॉट फॉलो यू वंस अगेन प्लीज या और एक बार आप बोलें आपने जो कहा मुझे समझ नहीं आया कृपया आप और एक बार दोहराएं ठीक है जैसे ट्रेन में आप लोग सफर करते हैं ना हाँ तो क्या बोलता है अटेंशन प्लीज बोलता है ना हाँ है कि नहीं तो उस टाइप का तो जैसे उस टाइप का ही ये पार्डन आई डिड नॉट फॉलो यू वंस अगेन प्लीज समझा और एक तो एग्जांपल के तौर पर अगर लगा दें ये भी पार्डन जो पहले वाला सॉरी का था उसका पार्डन आई आई डिड नॉट गेट यू आई डिड नॉट गेट यू वंस अगेन प्लीज Pardon, I did not get you. Once again, please. ठीक है Pardon का मतलब है क्षमा करें क्षमा कीजिएगा आपने जो कहा मेरे को समझ में नहीं आया आप कृपया और एक बार दोहराएं. ठीक है समझ में आ रहा है ना हाँ नहीं समझ में आएगा बोलने का और एक बार बताऊंगा चलो लिखो जल्दी हाँ चलो मैं का मतलब सकना ठीक है तो मैं का मतलब क्या होता है सकना या सकता हूँ सकती हूँ ये अनुरोध करने में ठीक है अनुरोध करना है आपको अनुरोध करने के लिए ठीक तो किसी को हम लोग पूछते हैं सकने के लिए कि मैं आ सकता हूँ मैं नहीं आ सकता हूँ आप जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं यू मे लीव बोलते है ना यू मे गो नाउ ऐसे बोलते हैं है कि नहीं या प्लीज मे आई कम इन बोलते है ना मे आई कम इन सर ऐसे बोलते है ना हाँ तो उसी प्रकार होता है तो ये मे आई कम इन सर ठीक है मे आई कम इन सर क्वेश्चन मार्क ठीक है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूछ रहे हैं क्वेश्चन ठीक है क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ ठीक है और एक एग्जांपल हाँ मे आई टेक योर बुक मे आई टेक योर बुक
क्या मैं आपका किताब ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर बैग, ऐसे ठीक है। और एक तो देख लो, मे आई टेक योर बैग, आपको क्या करना है, पूछना है, क्या करना है, पूछना है ठीक है। जैसे मे का मतलब क्या होता है, सकना, सकता हूँ, सकती हूँ, अनुरोध करने के लिए आपको, आपको अनुरोध करना है, पूछना है क्या मैं सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, ठीक है ठीक। तो जैसे यहाँ पर आपका मे आई कम इन सर, पूछ रहे हैं आप, मे आई कम इन सर, ठीक है, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है। मे आई टेक योर बुक, सॉरी यहाँ पर योर है ठीक है, योर वाई ओ यू आर ठीक। मे आई टेक योर बुक, मे आई टेक योर बैग, ऐसे हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, शुड कुड लास्ट है, तो लास्ट है ना, प्लीज है। चलो प्लीज पहले करते हैं, प्लीज ठीक है। प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया ठीक है, कृपया इसका भी अनुरोध नहीं होता है। अनुरोध का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट, किसी को आप रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं ठीक है। हाँ प्लीज का मतलब कृपया, अनुरोध करने में। एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज मे आई कम इन सर, इसमें भी आप अनुरोध कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क ही आएगा ठीक है। प्लीज मे आई कम इन सर, ऐसे ऐसे, तो ये इस टाइप का बोलोगे तो आदमी बोलेगा हाँ चलो भाई इसको घुसने दिया जाए, चल घुस है कि नहीं, घुसने दिया जाएगा। चलो प्लीज मे आई कम इन सर, नेक्स्ट प्लीज प्लीज हैव अ ड्रिंक, ठीक है, प्लीज हैव अ ड्रिंक, ये भी ये इसमें क्वेश्चन मार्क अनुरोध नहीं करना है इसको, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, प्लीज हैव अ ड्रिंक और प्लीज हैव, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव अ ड्रिंक प्लीज, हैव अ ड्रिंक प्लीज ठीक, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, प्लीज हैव अ ड्रिंक और हैव अ ड्रिंक प्लीज। और एक तो प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, या हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट प्लीज ठीक है, दोनों सही है, प्लीज हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक प्लीज ठीक है, प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट प्लीज। कृपया आप बैठ जाएं, कृपया आप, ये पीने का चीज है, शरबत है ठीक है, रसना है, स्प्राइट है, तो आप उसको क्या कीजिए, पीजिए, क्या कीजिए, पीजिए। चलो हो गया, चलो आगे, लास्ट
नॉट द लिस्ट सुड कुड ना सुड कुड ठीक इसका दोनों का मतलब होता है क्या सकना ठीक है क्या होता है मतलब सकना 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 और अलग से इसको हिंदी में भी यूज कर सकते हैं क्या चाहिए होना चाहिए ठीक है होना चाहिए होना चाहिए या हो सकता है ठीक है हो सकता है हो सकता है सूट कुड होना चाहिए हो सकता है सकना दो तीन जगह हम लोग यूज करते हैं ठीक है समझ में आ रहा है ना सूट कुड सकना होना चाहिए हो सकता है कुड भी मतलब हो सकता है होना चाहिए शुड भी होना चाहिए ठीक चाहिए तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे शुड आई टेक अ सीट ये भी क्वेश्चन मार्क है क्या मैं सीट ले सकता हूं ठीक है सीट Should I go for morning walk? ये आप पूछ रहे हैं किसी आदमी से आप पूछ रहे हैं Should I go for morning walk? Should I take a seat? उसी प्रकार food में भी आपका आएगा Could you Name them, please. क्या क्या कृपया आप इसे नाम बता सकते हैं या नाम इसका रख सकते हैं ठीक है ये चीज का नाम रख सकते हैं Name them, please. ठीक है Could you name them, please? ठीक है क्वेश्चन मार्क होगा Could I do this? थिंग क्या मैं ये काम कर सकता हूं कुड आई डू दिस थिंग क्या मैं ये काम कर सकता हूं